अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फोरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फोरगेट टू कमेंट योर फीडबैक। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिस्कशन। इस इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर हमारे पास हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस मौजूद है दैट लर्न द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड टीच देम टू अदर्स फॉर दिस इज़ द हाफ ऑफ द नॉलेज। अब कितनी खूबसूरत बात इस हदीस में कही गई है कि आप खुद भी विरासत का कानून सीखें और दूसरे लोगों को भी विरासत के कानून को सिखाएं, क्योंकि ये विरासत का कानून आधा इल्म है, यानी कि पूरा का पूरा इल्म एक साइड पर और ये विरासत का कानून या विरासत का जो इल्म है वो एक साइड पर, ये आधा नॉलेज है। तो दैट मींस कि विरासत का कानून कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसको इस विरासत के कानून के बारे में ठीक तरह से कोई भी मालूमात हो। आपको यही नहीं पता कि विरासत क्या है, इसकी तकसीम किस तरह से होगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात कि मरने वाले की जो भी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी, उसके जो लीगल हेयर्स के दरमियान तकसीम होगी उसको हम कहते हैं विरासत। अब ये प्रॉपर्टी किस तरह से तकसीम होगी, किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। वैसे तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि विरासत के अंदर बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता और बेटे को जो है वो सारी की सारी जायदाद उठाकर दे दी जाती है। लेकिन अगर आप इस्लाम को देखें और कानून को देखें तो इस्लाम और कानून के अंदर बाकायदा बेटे और बेटियों का शेयर मुकरर किया गया है। सो विरासत के कानून को समझने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स का समझना बहुत ज़रूरी है कि विरासत के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है। नंबर वन, डेथ ऑफ द पर्सन, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसका मरना यकीनी होना चाहिए, उसकी मौत के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी तकसीम होगी। और उसकी मौत को कैसे कंफर्म किया जाएगा ये हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सबसे पहली बात, उस बंदे का मरा हुआ होना ज़रूरी है। सेकेंडली, जिस प्रॉपर्टी को वारसान के दरमियान तकसीम होना है उस प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो माल तकसीम होना है उसका मौजूद होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि माल मिल जाएगा या बाद में कहीं से आ जाएगा, बल्कि एट द टाइम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्स उसका एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। और थर्डली, लीगल हेयर्स जो शरी वारसान हैं उनका ज़िंदा होना ज़रूरी है। जो शरी वारिस ज़िंदा नहीं है उसको प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सो प्रॉपर्टी को तकसीम होने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स का फुलफिल होना ज़रूरी है। बंदे की डेथ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और जो शरी वारसान हैं उनका ज़िंदा होना ज़रूरी है। अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होगी, प्रॉपर्टी के अंदर किन किन लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सबसे पहली बात, होमिसाइड, किलिंग ऑफ दी पर्सन, यानी कि अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई वारिस अपने मोरस को कत्ल कर देता है सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि उसे उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया जाए, तो ऐसा कोई भी बंदा जो कि अपने मोरस को सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कत्ल कर रहा है उसको प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, खावन बीवी को कत्ल कर रहा है, बीवी खावन को कत्ल कर रही है, सो ऐसे किसी भी बंदे को प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 317 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 दैट पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम दी सक्सेशन। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ विरासत हासिल करने के लिए अपने मोरस को कत्ल कर रहा है तो उसको स्ट्रेट अवे उस विरासत से महरूम कर दिया जाएगा। सेकंड इज़
इलिजिटिमेसी, यानी कि अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है, अगर कोई नाजायज़ औलाद है, तो उसको भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ द रिलीजन। जहाँ पर मज़हब का डिफरेंस आ गया है तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी नॉन मुस्लिम किसी भी मुस्लिम की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता, उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी शेयर नहीं है। इसके अलावा फोर्थ सिचुएशन है स्लेवरी, यानी कि जो ग़ुलाम है ग़ुलामों को भी विरासत में किसी भी तरह का कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, दैट इज स्टेप चाइल्ड, यानी कि अगर कोई सौतेली औलाद है तो उनको भी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक औरत है जिसके बच्चे हैं, उसका खावंद मर चुका है, वो दूसरी शादी करती है, तो जो उसका सौतेला बाप है उस सौतेले बाप की प्रॉपर्टी में से इन बच्चों को कोई भी हक नहीं दिया जाएगा। सो दीज आर दी बेसिक 5 कंडीशंस जिनके अंदर जो विरासत है वो इन तमाम लोगों को नहीं मिलेगी। ये तमाम कंडीशंस इन लोगों को विरासत के हक से महरूम कर रही हैं। अब हमने इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए, हमने देख लिया कौन सी सिचुएशंस हैं जो कि विरासत के रास्ते में रुकावट डाल रही हैं। अब आ जाते हैं कि बंदे की विरासत तकसीम किस तरह से होगी। सो फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसकी डेथ हो चुकी है, उसका जो तरका है यानी कि जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है, उसकी तकसीम किस तरह से होगी। सबसे पहले जो मरने वाला है, जो मरहूम है, उसकी तदफीन के अमल को फुलफिल किया जाएगा, यानी कि सबसे पहला काम है मैयत को दफनाना, और उसके कफन दफन के ऊपर जितना भी खर्च आ रहा है वो उसकी लेफ़्ट ओवर जो प्रॉपर्टी है उसमें से किया जाएगा। अब मैयत की तदफीन हो गई, उसको दफना दिया, उसके बाद जो दूसरा काम है दैट इज़ डेट्स, जितने भी कर्ज वगैरह हैं, मैयत ने जितने भी लोगों से जो भी कर्ज लिया था उस उधार की रकम को इस प्रॉपर्टी में से उन लोगों को वापस किया जाएगा, यानी कि जिन जिन लोगों से मरने वाले ने कर्ज लिया है उन तमाम लोगों का कर्ज चुकाया जाएगा। इसमें हमारे पास हक महर भी इंक्लूडेड है। हक महर क्या है? शोहर पर बीवी का कर्ज है। सो खावंद के लिए ज़रूर है कि वो अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में उसका हक मेहर अदा करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में से ये हक मेहर कर्ज के तौर पर उसकी बीवी को अदा किया जाएगा। उसके बाद है विल, यानी कि अगर मरने वाला कोई वसीयत करके मरा है, लेकिन याद रखें कि वसीयत जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा ही कर सकता है, 1/3 से ज़्यादा हिस्सा वो वसीयत नहीं कर सकता। सो अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसकी प्रॉपर्टी में से कफन दफन कर्ज चुकाने के बाद वसीयत अमल में लाई जाएगी, वसीयत वाला काम किया जाएगा, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाएगी वो उसके लीगल हेयर्स में तकसीम की जाएगी। अब प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स के अंदर किस तरह से तकसीम होगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर तो मरने वाली बीवी है और बीवी की कोई प्रॉपर्टी है तो उस बीवी की प्रॉपर्टी में से, उसके तरके में से खावंद को कितना हिस्सा दिया जाएगा। सो देयर आर बेसिकली 2 सिचुएशंस कि अगर मरने वाले की औलाद है या औलाद नहीं है। अगर औलाद है तो बीवी के तरके में से खावंद को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से चौथा हिस्सा खावंद को दे दिया जाएगा। और अगर मरने वाले की औलाद नहीं है तो फिर उसके तरके में से जो आधा हिस्सा है, यानी कि प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे और उनमें से 1 हिस्सा खावंद को चला जाएगा और बाकी उसके पेरेंट्स में तकसीम कर दिया जाएगा। अब ये तो था कि बीवी की प्रॉपर्टी में से खावंद का कितना हिस्सा है। अब हम इसके ऑपोजिट देख लेते हैं कि अगर मरने वाला खावंद है तो उसकी प्रॉपर्टी में से, उसके तरके में से बीवी का कितना हक है। सो यहाँ भी 2 सिचुएशंस हैं, औलाद होने की सूरत में और औलाद ना होने की सूरत में। अगर तो औलाद है
जो बंदा मरा है उसकी औलाद मौजूद है तो फिर उसके तरके में से बीवी को 1/8 हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी के 8 हिस्से किए जाएंगे और 8वां हिस्सा बीवी को दिया जाएगा। लेकिन अगर मरने वाले की औलाद मौजूद नहीं है तो फिर बीवी को प्रॉपर्टी में से 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे और उनमें से 1 हिस्सा बीवी को दे दिया जाएगा, 4वां हिस्सा जो है वो बीवी का होगा। अब ये तो हमने देख लिया कि खावंद बीवी की प्रॉपर्टी में से कितना ले रहा है और बीवी खावंद की प्रॉपर्टी में से कितना ले रही है। यहाँ पर इस सक्सेशन के अंदर, इस इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास 3 लोग ऐसे हैं जिनका शेयर फिक्स है, मरने वाले के माँ बाप और मरने वाले की बीवी, उसका हिस्सा फिक्स है। औलाद ना होने की सूरत में 1/4 हिस्सा और औलाद होने की सूरत में 8वां हिस्सा। अब अगर मरने वाले के पेरेंट्स मौजूद हैं तो उनको प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/6। ये उनका शेयर फिक्स है कि प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे और उनमें से 6वां हिस्सा जो है वो मरने वाले के पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। अब मरने वाले के पेरेंट्स को अपने हिस्से के अलावा एक्स्ट्रा हिस्सा कब मिलेगा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर तो मरने वाले के पेरेंट्स मौजूद हैं तो उनका 1/6 हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मरने वाले का सिर्फ और सिर्फ 1 बेटा है औलाद में से तो बाप का वही हिस्सा 1/6। लेकिन अगर बेटा मौजूद नहीं है और मरने वाले की सिर्फ और सिर्फ 1 बेटी है तो बेटी का हिस्सा क्या है, आधा हिस्सा है। तो बाप को अपने हिस्से के साथ जो लेफ्ट ओवर है, जो रेजिड्यू है, जो बचा हुआ हिस्सा है, वो भी वापस बाप को चला जाएगा। तीसरी सिचुएशन, अगर तो मरने वाले की सिरे से कोई औलाद ही नहीं है तो उस सूरत में बाप को कितना हिस्सा होगा, यानी कि ना बेटा है ना बेटी है, तो मैयत का सारा हिस्सा जो है वो बाप को चला जाएगा बीवी का हिस्सा निकालने के बाद। अब अगर तो मरने वाले की औलाद भी नहीं है, उसके बहन भाई भी नहीं है, तो मरने वाले की जो माँ है उसको 1/3 हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी में से दिया जाएगा। अब ये तो हमने पेरेंट्स का हिस्सा देख लिया, अब देख लेते हैं कि बच्चों का कितना हिस्सा है, उनको प्रॉपर्टी में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा। सूरह आले इमरान के अंदर इस हिस्से को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, सूरह निसा के अंदर, सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 के अंदर इस पूरे के पूरे इनहेरिटेंस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है कि किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। वहाँ पर क्लियर कट बता दिया है कि बेटे के 2 हिस्से होंगे और बेटी का 1 हिस्सा होगा, बेटी के मुकाबले में बेटे का हिस्सा डबल होगा। अब देख लेते हैं कि अगर मरने वाले का सिर्फ और सिर्फ 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं तो बेटे का हिस्सा डबल हो जाएगा और बेटियां जो हैं वो 1-1 हिस्सा लेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मरने वाला प्रॉपर्टी छोड़कर गया है 2 लाख की, हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, 2 लाख की प्रॉपर्टी वो छोड़कर गया है, बेटे के 2 हिस्से, बेटियों का 1-1 हिस्सा, तो प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में डिवाइड की जाएगी, 50-50-50-50। बेटी का 1 हिस्सा 50,000, दूसरी बेटी का 1 हिस्सा 50,000 और बेटे का हिस्सा डबल है तो उसे 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। इस हिसाब से बेटी का 1 हिस्सा और बेटे का हिस्सा डबल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से बताया गया है। दूसरी सिचुएशन, अगर तो मरने वाले का बेटा नहीं है और सिर्फ 1 बेटी है तो आधा हिस्सा बेटी को चला जाएगा और बाकी हिस्सा बाप को ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि बाप के अपने हिस्से के साथ उसको बचा हुआ हिस्सा भी मिलेगा। या तीसरी सिचुएशन, अगर तो मरने वाले की 2 बेटियां हैं या इससे ज़्यादा बेटियां हैं और बेटा कोई भी नहीं है तो बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जाएंगे जिनमें से 2 हिस्सा बेटियों में तकसीम किया जाएगा और 1 हिस्सा फिर ऑटोमेटिकली चला जाएगा बाप को। सो इनहेरिटेंस के शेयर्स की डिवीजन के टाइम पर आपने याद रखना है कि जो करीब का रिश्ता है वो दूर के रिश्ते को एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि
अगर मरने वाले के पेरेंट्स मौजूद हैं तो फिर दादा दादी एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है तो फिर उस मरने वाले के बहन भाई एक्सक्लूड हो जाएंगे, उनको विरासत में हक नहीं दिया जाएगा। सो सिंपल सिंपल से शेयर्स हैं, आपने याद रखना है पेरेंट्स का शेयर जो है वो बिल्कुल फिक्स है 1/6, 1/6। वाइफ का शेयर इन द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन 1/8, इन द एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रन 1/4। इसी तरह बीवी के तरके में से खावंद का हिस्सा 1/4 इन द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड 1/2 इन द एब्सेंस ऑफ द चिल्ड्रन। इसी तरह ब्रदर विल इनहेरिट द डबल शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सिस्टर। बेटे के दो हिस्से हैं, बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। जहां पर एक बेटा है, दो बेटियां हैं, तो बेटे को डबल हिस्सा और बेटियों को सिंगल सिंगल हिस्सा दिया जाएगा। इसी तरह दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं तो वो 2/3 के हिसाब से उनको शेयर दिया जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, उनमें से 2 हिस्से बेटियों के, बाकी हिस्सा बाप को चला जाएगा। सो ये सिंपल से शेयर्स हैं जो आपने फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। इसी तरह अब इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ दी पेंशन। अब अगर कोई बंदा मर गया है और उसकी जो पेंशन की अमाउंट है वो क्या है, वो भी उसका तरका है, वो उसकी विरासत है। लेकिन होता क्या है कि जो पेंशन की अमाउंट है वो उसकी बेवा हासिल कर लेती है और वो उसको अपनी मर्जी से चाहे जैसे भी खर्च कर सकती है। लेकिन इनहेरिटेंस लॉ के अंदर कहा गया है कि पेंशन भी मरने वाले का तरका है, सो उसको भी इनहेरिटेंस रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होना चाहिए। यानी कि उसमें खावंद की पेंशन में बीवी का हिस्सा है, बच्चों का हिस्सा है और खावंद के माँ बाप का हिस्सा भी मौजूद है। लेकिन आजकल इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि पेंशन की अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ उसकी विडो ले लेती है और वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों पर जैसे चाहे वो खर्च कर सकती है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के लिए किन इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो इसके रास्ते में रुकावट डाल रही हैं, इनहेरिटेंस के लिए सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, कफन दफन, फिर डेट्स, फिर विल और उसके बाद फिर लीगल हेयर्स के अंदर शेयर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो शेयर्स हमने इंपॉर्टेंट शेयर्स को डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।